तो गाइस अब फाइनली लॉकडाउन खत्म हो चुका है। कई महीनों से हम लोग जो दिल की जो दबी इच्छा थी वो हम लोग पूरी कर सकते हैं और हम लोग अलग अलग प्रकार के डिशेस बाहर जाके अब रेस्टोरेंट पे एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अभी भी कई सारे लोग हैं जो घर पे खाना ही प्रेफरेंस करते हैं, तो उन लोगों के लिए स्विगी एक बहुत अच्छा ऐप है जिसके थ्रू वो खाना ऑर्डर कर सकते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं हम लोग किस प्रकार स्विगी से खाना ऑर्डर कर सकते हैं और घर में ही ये टेस्टी टेस्टी खाना को एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग प्ले स्टोर पर जाके स्विगी को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड जब हो जाए तो उसके बाद हम लोग ओपन कर लेंगे। अब हम लोग स्विगी को चालू कर लेते हैं। जैसे ही हम लोग चालू करेंगे तो आपको सबसे पहले ये वाली स्क्रीन दिखाई देगी जिसमें ही आपको बोलेगा कि आप कहाँ पर डिलीवरी चाहते हैं, तो उसको लोकेशन को सेट कर लें। तो आप यहाँ से सेट डिलीवरी लोकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करें, वो परमिशन मांगेगा आपको लोकेशन देखने की, तो उसको अलाउ कर दें। अलाउ करने के बाद आप इस वाले स्क्रीन पर आ जाएंगे। आप सबसे पहले तो यहाँ पर करेंट लोकेशन पर क्लिक करके GPS के थ्रू आप उसको सेट कर दीजिए। कंफर्म लोकेशन करिए, इसको आप बाद में चेंज कर सकते हैं। जो लोकेशन की डिटेल है वो आपको बाद में एडिट कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको कई सारे ऑप्शंस दिखा देंगे। ये इसका इंटरफेस है। जो सबसे ऊपर आता है उसमें आपको तीन सेक्शन दिख जाएंगे, रेस्टोरेंट, जिनी और केयर कॉर्नर। तो इस वाली वीडियो में आपको सिर्फ रेस्टोरेंट के बारे में बताने वाला हूँ, जिनी और केयर कॉर्नर के लिए मैं अलग से वीडियो आपको बना दूंगा। अब आप यहाँ पर नीचे जाएंगे, नीचे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग रेस्टोरेंट्स के नाम दिखाई दे रहे हैं। आप इनमें से कुछ भी जगह सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी ऑफर चल रहा है तो ये उस पर दिखाई दे जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ 40% ऑफ, 60% ऑफ, तो आप उसको वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पॉपुलर ब्रांड्स दिखाई देंगे जिसको आप सिलेक्ट करके उस पर ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर कैसे करना है मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। आप ब्रांड्स के अलावा अगर आप पर्टिकुलर कैटेगरी में देखना चाहते हैं, आपको पिज्ज़ा मंगाना है, बर्गर मंगाना है, बिरयानी खानी है, अपनी डिश के हिसाब से भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और उसमें जो अवेलेबल ऑप्शंस होंगे रेस्टोरेंट्स होंगे वो उसकी लिस्ट आ जाएगी आपके सामने। तो इस पर कार्य पूरा दिया हुआ है, अलग अलग इसमें डिस्काउंट्स और ऑफर्स चलते रहते हैं, उसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगा। तो हम किसी भी चीज़ को एक सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो ऑप्शन दिखा रहा है उसी को सिलेक्ट कर लेते हैं, सागर घेरे। जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई दे देंगे। यहाँ पर उसको रेटिंग दिखाई दे रही है कि रेस्टोरेंट की रेटिंग कितनी है, आपको डिलीवरी टाइम कितना लगेगा और कॉस्ट फॉर टू कितना है, नॉर्मली दो लोगों का खाने का कितना खर्चा आएगा आपको यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद क्या क्या उसमें ऑफर्स चल रहे हैं ये आपको दिखाई दे जाएगा। अब ये देखिए ये इसका मेनू दिया हुआ है। अब इसमें वेज बर्गर, वेज बिरयानी, आपको जो भी पसंद हो आप सिंपली यहाँ से इसको ऐड कर सकते हैं, नीचे आपको दिखाई दे जाएगा। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ और ऐड करना है, छोले कुलचे ऐड करना है, आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसमें अगर कुछ ऑप्शन है तो आप उसमें जोड़ सकते हैं, नहीं तो सिर्फ आप सिंपल ऐड आइटम्स को क्लिक कर सकते हैं। इस पर अगर आप जैसे ही आपको पूरा का पूरा सिलेक्शन हो जाता है तो आप नीचे ग्रीन का जो दिख रहा है, कलर का दिख रहा है व्यू कार्ड, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए आपने जो दो चीज़ सिलेक्ट करी वो यहाँ पे आ गई है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट डिलीवरी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप बाहर ही आपका सामान रख के चले जाए, तो आप इस पर टिक कर दीजिए। अदरवाइज आप उसको अंदर आने देना चाहते हैं तो आप उसको रहने दीजिए। इसमें अगर आप उनको टिप देना चाहते हैं तो आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने ऊपर में जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको जो भी अवेलेबल ऑप्शन है यह आपको दिखाई दे जाएगा। ट्राई न्यू कोड यूज़ करेंगे तो गेट 40% ऑफ ऑन ऑर्डर अबो ₹129। उसके बाद ये नीचे आपको बिल की डिटेल आ जाएगा कि टोटल कितना आइटम हो रहा है, आपको कितने डिलीवरी चार्ज या जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस लग रहा है। ये करने के बाद आप इसको यहाँ पर कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करेंगे तो आपको ये लॉगिन करने को बोलेगा, आप आपका मोबाइल नंबर डाल के इस पर लॉगिन कर लीजिए। अब जैसे आपका मोबाइल नंबर डाल के इसको सिलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, तो ये आपको OTP भेजेगा। यहाँ पे हो गया है। अब ये देखिए आप नीचे आएंगे तो आपको नीचे एक ऐड एड्रेस करके या फिर सिलेक्ट एड्रेस करके इसमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप ऐड एड्रेस कर देंगे और यहाँ पर कंफर्म लोकेशन कर देंगे। कंफर्म लोकेशन करेंगे, अब देखिए यहाँ पर आपको सब कुछ डिटेल डालने में आ जाएगा, आपका फ्लैट नंबर, आपको क्या डालना है, आपका अपार्टमेंट और ये सब सारी डिटेल्स आप इसमें डाल देंगे। ये आपका होम है, वर्क है या कुछ अदर है तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसमें कंफर्म कर दीजिएगा तो ये आपका एड्रेस सेव हो जाएगा। जब एक बार सेव हो जाएगा तो आप उस एड्रेस को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आ जाएगा प्रोसीड टू पे। अब यहाँ पर जाके आप प्रोसीड टू पे पर क्लिक करें, यहाँ पर जाके आपको अलग अलग ऑप्शन दिखाई देते हैं। आप अमेज़न पे से करना चाहते हैं, पेटीएम से करना चाहते हैं, फ्लिपकार्ट से करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग, जिस भी तरीके से आप इसको पेमेंट करना चाहते हैं आप उसको पेमेंट को सिलेक्ट करके उसको पे कर दीजिए तो आपको जो डिज़ायर्ड टाइम है उसके अंदर अंदर आपको डिलीवरी हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।